इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि लेसाजियन टेस्ट क्या होता है और इस टेस्ट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंस होती है। अगर केमिकल एनालिसिस की बात करें तो केमिकल एनालिसिस को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन या फिर डिफरेंट हेट्रोएटम जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, इनमें से कौन कौन से प्रेजेंट हैं, इसके बारे में जानकारी रखने के लिए जो एनालिसिस किया जाता है उसे हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो उसमें कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, इसके एनालिसिस को हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि जो लेसाजियन टेस्ट होता है वो किस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव एनालिसिस में हेल्प करता है। किसी भी कंपाउंड के क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल लेसाजियन सॉल्यूशन का होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं लेसाजियन सॉल्यूशन को किस तरह से बना सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेसाजियन सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले एक इग्निशन ट्यूब ले ली जाती है और इस इग्निशन ट्यूब के अंदर जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमको लेसाजियन सॉल्यूशन बनाना है उसको और सोडियम मेटल को ले लिया जाता है। इतना करने के बाद इस इग्निशन ट्यूब को स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है और स्ट्रॉन्ग हीट करने के बाद एक डिश ले ली जाती है जिसके अंदर डिस्टिल वाटर प्रेजेंट होता है। अब इस इग्निशन ट्यूब को इस डिश के अंदर ले जाकर अच्छे से ब्रेक कर दिया जाता है और ब्रेक करने के बाद ये जो डिश होती है जिसमें डिस्टिल वाटर के साथ साथ अब हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड और सोडियम मेटल प्रेजेंट है, अब इसको यहाँ ले जाकर स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है और स्ट्रॉन्ग हीट करने के बाद इसको फिल्टर पेपर की हेल्प से फिल्टर कर लिया जाता है। जो हमारे पास लिक्विड नीचे आता है उसे हम लेसाजियन सॉल्यूशन कहते हैं। इस लेसाजियन सॉल्यूशन को हम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट यानी SFE या फिर सोडियम एक्सट्रैक्ट यानी SE भी कह सकते हैं। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि हमको LS सॉल्यूशन या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को बनाने की ही जरूरत क्या है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो नाइट्रोजन, सल्फर या हेलोजन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं ये उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए होते हैं और सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के थ्रू जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के ये एलिमेंट होते हैं वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के कारण ही इनकी रिएक्शन फास्ट हो पाती है। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अगर एलिमेंट का क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है तो उसमें जो प्रेजेंट एलिमेंट है उनका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाना जरूरी होता है। नंबर सेकंड, बनने वाले सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट की जो नेचर होती है वो अल्कलाइन नेचर होती है। अगर किसी कारण से बनने वाला सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट की नेचर अगर अल्कलाइन नहीं होती है, ऐसी कंडीशन में इस सॉल्यूशन में NaOH सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप मिला ली जाती है। नंबर थर्ड, लेसाजियन सॉल्यूशन बनाने के लिए सोडियम मेटल का ही यूज किया जाता है। इसमें लिथियम, पोटेशियम, इन मेटल का कभी भी यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि जो लिथियम मेटल के साथ इसकी रिएक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, जबकि पोटेशियम मेटल के साथ इसकी रिएक्शन वायोलेंट नेचर की होने के कारण इन दोनों मेटल को अवॉइड किया जाता है और सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट हमेशा सोडियम मेटल के साथ बनाया जाता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नंबर वन, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट कार्बन और हाइड्रोजन के डिटेक्शन के लिए LS सॉल्यूशन की जरूरत नहीं होती है। LS सॉल्यूशन का यूज नाइट्रोजन और सल्फर के डिटेक्शन में किया जाता है। अब जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट कार्बन और हाइड्रोजन का डिटेक्शन करना है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ ले लिया जाता है और इस मिक्सचर को स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है। स्ट्रॉन्ग हीट करने के कारण हमारे पास दो तरह की ऑब्जर्वेशन होती है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कार्बन होता है वो इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से इसके अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन जो होता है वो इस रिएक्शन के थ्रू वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर की वेपर और CO2 इस रिएक्शन में रिलीज होते हैं। अब इसके डिटेक्शन के कन्फर्मेशन के लिए जो CO2 होती है, इस CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर भी कहते हैं। जब CO2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं तो इससे कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है और इसका जो सॉल्यूशन है वो मिल्की कलर में चेंज हो जाता है। इस रिएक्शन में वाटर की वेप्योर रिमूव होती है या रिलीज होती है। इसको कंफर्म करने के लिए निकलने वाले वाटर वेप्योर की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ करवाते हैं। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो व्हाइट कलर का होता है। जैसे इसकी रिएक्शन वाटर के साथ होती है इससे हमारे पास
हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट की फॉर्मेशन हो जाती है, और ये हाइड्रेटेड फॉर्म जो होती है इसका ब्लू कलर होता है, यानी CuSO4 का व्हाइट से ब्लू कलर चेंज होना इस बात का इंडिकेशन है कि इस रिएक्शन में वाटर की वेपर रिलीज होती है, और वाटर की वेपर तभी रिलीज हो सकती है इस रिएक्शन में ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। कार्बन और हाइड्रोजन के डिटेक्शन में कुछ इस तरह का अपरेटस यूज किया जाता है। इसमें यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब होती है जिसको इस अपरेटस की हेल्प से दूसरी टेस्ट ट्यूब के साथ जोड़ दिया जाता है। इस टेस्ट ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड और क्यूप्रिक ऑक्साइड को हीट किया जाता है, और यहाँ पे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट रखा जाता है, और इस टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होता है। जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड इस क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो इस रास्ते के थ्रू वाटर और CO2 रिलीज होते हैं, यानी जो कार्बन होता है इस क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो हाइड्रोजन होता है इस क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वाटर बन जाता है। और जैसे ही वाटर यहां से पास होता है तो वाटर की वेपर इस कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करती है, जिससे कॉपर सल्फेट की ये व्हाइट कलर की एनहाइड्रस फॉर्म ब्लू कलर की हाइड्रेटेड फॉर्म में चेंज हो जाती है। साथ में जब यहाँ से CO2 पास होकर इस टेस्ट ट्यूब में आता है, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है, और CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम मिल्की कलर टेस्ट कह सकते हैं। अब बात करते हैं लेसाजीन सॉल्यूशन की। लेसाजीन सॉल्यूशन की रिएक्शन में बनने वाला फाइनल प्रोडक्ट इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या चीज़ प्रेजेंट है। अब मान लीजिए हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है। ऐसी कंडीशन में जो लेसाजीन सॉल्यूशन या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट होगा वो इसके साथ रिएक्शन करके NaCN की फॉर्मेशन कर लेगा। और अगर मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ सल्फर प्रेजेंट है, ऐसी कंडीशन में लेसाजीन सॉल्यूशन या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इसके साथ रिएक्ट करता है और इससे सोडियम सल्फाइड की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर ये तीनों प्रेजेंट हो। ऐसी कंडीशन में लेसाजीन सॉल्यूशन या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट उसके साथ रिएक्ट करता है, जिससे हमारे पास सोडियम थायोसाइनेट की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम सोडियम सल्फोसाइनाइड भी कह सकते हैं। इन तीनों रिएक्शन का सीधा सा ये मतलब है कि जब कभी भी हम नाइट्रोजन का डिटेक्शन करेंगे ऐसी कंडीशन में रिएक्शन NaCN से शुरू करनी है, और अगर डिटेक्शन सल्फर का किया जाएगा तो रिएक्शन सोडियम सल्फाइड से शुरू करनी है। और इसी तरह से अगर मान लो कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर तीनों का एक साथ डिटेक्शन हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में ये रिएक्शन सोडियम थायोसाइनेट से शुरू करनी है। नंबर 1, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमको नाइट्रोजन का डिटेक्शन करना है, सबसे पहले इसको सोडियम के साथ लेकर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बना लिया जाता है। इस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में NaCN प्रेजेंट होता है। अब इसकी रिएक्शन FeSO4 के साथ करवाई जाती है और इसको स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है। इसके बाद इसमें कुछ ड्रॉप कॉन्सेंट्रेट HCl या फिर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की डाल ली जाती है, जिससे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम सोडियम फेरोसाइनाइड कहते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में FeCl3 के सॉल्यूशन को और कंसेंट्रेट HCl की कुछ ड्रॉप्स को डाल लिया जाता है, जिससे इंटेंस ब्लू कलर का हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम फेरिक फेरोसाइनाइड कहते हैं, और इस कलर के कंपाउंड को हम प्रोशियन ब्लू कहते हैं। अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इंटेंस ब्लू कलर की फॉर्मेशन करता है तो ये चीज का इंडिकेशन है कि उस कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। इसे हम डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन या फिर टेस्टिंग ऑफ नाइट्रोजन कह सकते हैं। अगर मान लो आपसे ये पूछा जाए कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो क्या सभी तरह के ऐसे कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसका डिटेक्शन इस टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं, तो इसका आंसर है कि इसके लिए आपको एक कंडीशन को फुलफिल करना है, तभी उस कंपाउंड की नाइट्रोजन की टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो इस मेथड को यूज करने के लिए उसमें कार्बन का प्रेजेंस होना जरूरी है, क्योंकि अभी हमने रिएक्शन में देखा था कि जब सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनता है तो इस रिएक्शन में जो सोडियम होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, जिससे NaCN की फॉर्मेशन होती है। अगर मान लो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसके अंदर कार्बन ही प्रेजेंट नहीं होगा तो यहाँ से हमारे पास NaCN की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी और इस टेस्ट को हम प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ इस टेस्ट के लिए कंपाउंड में कार्बन के साथ नाइट्रोजन प्रेजेंट होना जरूरी है। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट ना हो, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिलामीन, अमोनिया, सोडियम कार्बोनेट, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, तो ये सभी तरह के ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें नाइट्रोजन तो प्रेजेंट है बट इनमें कार्बन की एब्सेंस होने के कारण आप इस मेथड को यूज करते हुए डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन परफॉर्म नहीं कर पाओगे।
अब अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की नाइट्रोजन को क्या इस मेथड के थ्रू डिटेक्शन कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर ये आएगा कि हाँ सर, इसकी नाइट्रोजन को डिटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि पॉइंट वन में हमने ये कंडीशन फॉलो करी है कि अगर किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन के साथ कार्बन प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशन में उसके सोडियम फ्यूजन एक्सेप्ट में NaCN की फॉर्मेशन हो जाती है और इस मेथड को यूज करके उसकी नाइट्रोजन को डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर मान लीजिए मैं कहूं कि इसका जो फाइनल आंसर है वो ये है कि ये कंपाउंड नेगेटिव टेस्ट देता है, यानी इस मेथड के थ्रू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की नाइट्रोजन का डिटेक्शन नहीं किया जा सकता, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब सोडियम को ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ लेकर उसका सोडियम फ्यूजन एक्सेप्ट बनाया जाता है तो ऐसी कंडीशन में इस मिक्सचर को बहुत स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है, और हमको ये पता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होते हैं या डाइजो कंपाउंड जो होते हैं ये जनरली अनस्टेबल होते हैं और इनको केवल 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करते हुए ही स्टेबल रखा जा सकता है। अगर मान लीजिए इस कंपाउंड का जब आप टेस्टिंग करेंगे तो इस कंपाउंड का LS सॉल्यूशन बनाने के लिए इसको स्ट्रॉन्ग हीट करोगे, जिससे ये कंपाउंड क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा और इसकी नाइट्रोजन जो है वो एटमोसफेयर में रिलीज हो जाएगी। इसलिए बेंजीन डाइजोनियम कंपाउंड की स्टेबिलिटी परफेक्ट ना होने के कारण इसको हम सोडियम फ्यूजन एक्सेप्ट की फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे और इसकी नाइट्रोजन का डिटेक्शन भी नहीं कर पाएंगे। नंबर थर्ड, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन के साथ सल्फर भी प्रेजेंट हो तो ऐसी कंडीशन में उसके LS सॉल्यूशन पे क्या इंपैक्ट आएगा? अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन के साथ सल्फर भी प्रेजेंट होती है, ऐसी कंडीशन में उसका सोडियम फ्यूजन एक्सेप्ट बनाने पर हमारे पास सोडियम थायोसाइनेट की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम सोडियम सल्फोसाइनाइड भी कहते हैं। जब इस सोडियम थायोसाइनेट की रिएक्शन FeCl3 के साथ करवाते हैं तो हमारे पास एक ब्लड रेड कलर के कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। इस कॉम्प्लेक्स को हम फेरिक सल्फोसाइनाइड भी कहते हैं या इसे हम फेरिक थायोसाइनेट भी कह सकते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इस पूरे प्रोसीजर को एग्जैक्टली फॉलो करते हुए ब्लड रेड कलर की फॉर्मेशन करता है तो ये इस चीज का इंडिकेशन है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट हैं। नंबर फोर, अगर मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है, ऐसी कंडीशन में जब उसका सोडियम फ्यूजन एक्सेप्ट बनाया जाता है तो सोडियम की जो अमाउंट है वो हमेशा कम रखी जाती है, यानी उसमें जो अमाउंट रिक्वायर है उससे भी कम अमाउंट में सोडियम यूज किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? अब अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट थे और उसका सोडियम फ्यूजन एक्सेप्ट को बनाते वक्त हमने सोडियम की ज्यादा अमाउंट यूज कर ली, तो ऐसी कंडीशन में जो थायोसाइनेट आयन होंगे वो डिकम्पोज हो जाएंगे और डिकम्पोज होने के कारण इसका टेस्ट परफॉर्म नहीं हो पाएगा। नंबर फाइव, नाइट्रोजन के डिटेक्शन में यूज होने वाला FeSO4 का सॉल्यूशन फ्रेश सॉल्यूशन होना चाहिए। अब फ्रेश सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे फ्रेश सॉल्यूशन का सीधा सा मतलब है फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन, यानी कि जब कभी भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमको नाइट्रोजन को डिटेक्ट करना है तो ऐसी कंडीशन में यूज होने वाला FeSO4 का सॉल्यूशन फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, यानी उसको एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने से पहले ही बनाना चाहिए। अगर मान लीजिए हमने कुछ पहले का बना हुआ सॉल्यूशन, यानी कुछ पहले हमने सॉल्यूशन बनाया था और जो लेबोरेटरी में रखा हुआ था उसको यूज कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास FeSO4 का ओल्ड सॉल्यूशन होता है वो समय के साथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के थ्रू डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है और इसमें ऑक्सीडेशन के थ्रू एक इम्प्योरिटी की फॉर्मेशन होती है जिसे हम फेरिक सल्फेट कह सकते हैं। यानी कि अगर हमने इसका ओल्ड सॉल्यूशन यूज किया तो बनने वाला फेरिक सल्फेट हमारे डिटेक्शन को इफेक्ट कर सकता है। नंबर सिक्स, नाइट्रोजन के डिटेक्शन के दौरान हमेशा कॉन्सेंट्रेट HCl या फिर कॉन्सेंट्रेट HCl4 को यूज किया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए इसको आप यूज नहीं करते हैं तो रिएक्शन में आयरन टू हाइड्रोक्साइड यानी फेरस हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है और इसका ग्रीन कलर का जो प्रेसिपिटेट होता है वो रिएक्शन के दौरान हर्डल डेवलप कर सकता है और इसी कारण से इसके डिटेक्शन में कॉन्सेंट्रेट HCl और कॉन्सेंट्रेट HCl4 को यूज किया जाता है। नंबर सेकेंड, डिटेक्शन ऑफ सल्फर। यहां तक के डिस्कशन में हमने ये देखा कि LS सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, नाइट्रोजन अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट हो तो उसको किस तरह से डिटेक्ट करते हैं या फिर कार्बन और हाइड्रोजन किस तरह से डिटेक्ट होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे हमने ये भी सीखा कि अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन के साथ सल्फर प्रेजेंट हो तो उसको किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए हमारे कंपाउंड में केवल सल्फर प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशन में उसका डिटेक्शन कैसे होता है?
इसी वीडियो लेक्चर में एलएस सॉल्यूशन के प्रिपरेशन के दौरान हमने ये देखा था, अगर मान लीजिए हमारे पास सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है और कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है, तो ऐसी कंडीशन में सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इसके साथ रिएक्ट करता है और इससे हमारे पास सोडियम सल्फाइड की फॉर्मेशन होती है। अब बनने वाले इस सोडियम सल्फाइड को डिफरेंट तरीकों से आइडेंटिफाई किया जाता है और बनने वाले फाइनल रिएक्शन के कलर के बेसिस पे सल्फर की प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जाता है। बनने वाले सोडियम सल्फाइड को डिटेक्ट करने के लिए दो और टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। पहले टेस्ट में सोडियम सल्फाइड के साथ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को यूज किया जाता है, जिसे हम SNP भी कहते हैं, और इन दोनों की आपस में रिएक्शन होने से हमारे पास एक वॉयलेट कलर का कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम सोडियम थायो नाइट्रोप्रोसाइड भी कहते हैं, या इसे हम सोडियम सल्फो नाइट्रोप्रोसाइड भी कह सकते हैं। एक प्रोसीजर और होता है जिसके थ्रू हम इस सोडियम सल्फाइड को डिटेक्ट कर सकते हैं। इस प्रोसीजर में सोडियम सल्फाइड के साथ लेड एसीटेट को लेकर स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है, जिससे लेड सल्फाइड की फॉर्मेशन होती है, और लेड सल्फाइड का ब्लैक कलर इस बात का इंडिकेशन होता है कि हमारे पास सोडियम सल्फाइड प्रेजेंट था। इसी तरह अगर मान लीजिए सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन हम लेड एसीटेट के साथ ना करवाकर कैडमियम एसीटेट के साथ करवा देते हैं, तो इससे हमारे पास CDS यानी कैडमियम सल्फाइड की फॉर्मेशन होती और इसका कलर येल्लो होता। नंबर थर्ड, डिटेक्शन ऑफ हेलोजन। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशन में उसका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है, और इसलिए हमारे पास सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में NaX प्रेजेंट होता है। इस एक्स की जगह पर कोई भी हेलोजन जैसे Cl, Br, I को रखा जाता है। अब बनने वाला ये NaX की रिएक्शन AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाते हैं, इससे AgX प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है और साइड प्रोडक्ट इसमें सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंट तरह की हेलोजन प्रेजेंट हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो हमारे पास AgX का PPT बना है, इसके कलर और सोलिबिलिटी के बेस पर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इनमें से कौन सा हेलोजन प्रेजेंट है। इसकी पहली पॉसिबिलिटी में अगर एक्स की वैल्यू Cl है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है जो कि वाइट कलर का होता है, और जब इसको NH4 में डिजोल्व किया जाता है तो ये कम्प्लीटली सोल्युबल हो जाता है। नंबर सेकंड, अगर एक्स की वैल्यू Br हो, ऐसी कंडीशन में सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr की फॉर्मेशन होती है, जिसका कलर पेल येलो होता है, मगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ये पार्शली सोल्युबल होता है। नंबर थर्ड, अगर एक्स की वैल्यू I है, तो इसमें AgI का येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कम्प्लीटली इनसोल्युबल होता है। इन तीनों ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम इजीली ये आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सी हेलोजन प्रेजेंट होगी। अब हेलोजन के डिटेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। नंबर वन, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन सल्फर अलोंग विद हेलोजन प्रेजेंट है, तो ऐसी कंडीशन में हमको इसमें HNO3 के सॉल्यूशन को यूज करना होता है। अगर मान लीजिए हम HNO3 के सॉल्यूशन को यूज नहीं करते हैं, तो इस रिएक्शन में हमने देखा था कि हमने सिल्वर नाइट्रेट को यूज किया था। अगर मान लीजिए इस कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें जब LS सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये जो नाइट्रोजन होगा ये हमको NaCN की फॉर्म में मिलेगा, और ये जो सल्फर होगा ये हमको Na2S की फॉर्म में मिलेगा। और अगर मान लीजिए हमने इसमें AgNO3 सॉल्यूशन डाल दिया, तो हमारे पास इसमें फॉल्स प्रेसिपिटेट यानी इसमें हमारे पास AgCN और फिर इसी तरह से AgS का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो ये जो प्रेसिपिटेट के कलर होते हैं, इनके कुछ कलर AgX के प्रेसिपिटेट के साथ मिलते हैं, यानी इसमें हमको फॉल्स प्रेसिपिटेट को हटाने के लिए हमारे कंपाउंड में अगर हेलोजन प्रेजेंट है तो उसके नाइट्रोजन और सल्फर को रिमूव किया जाता है। अब उसके नाइट्रोजन और सल्फर को रिमूव करने के लिए हम इसमें HNO3 के सॉल्यूशन को यूज करते हैं, क्योंकि HNO3 क्या करता है, अगर हमारे पास NaCN प्रेजेंट हुआ तो इसके साथ HNO3 रिएक्ट करेगा और ये इसको डिकम्पोज कर देगा, जिससे ये NaNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में HCl की फ्यूम्स बनेगी। इसी तरह से जो Na2S का सॉल्यूशन होगा वो भी HNO3 की हेल्प से डिकम्पोज हो जाएगा, और इससे फाइनली अगेन हमारे पास NaNO3 का सॉल्यूशन और इसमें H2S की फ्यूम बनेगी। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन के साथ नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट है, तो AgNO3 के साथ ये फॉल्स प्रेसिपिटेट दे सकते हैं, जिनके कलर AgX के कलर जैसे होते हैं, इसलिए बनने वाले NaCN जो कि नाइट्रोजन की प्रेजेंस के कारण बनेगा, बनने वाला Na2S जो कि सल्फर की प्रेजेंस के कारण बनेगा, इनको डिकम्पोज करना जरूरी है
और इन दोनों को डिकम्पोज करने के लिए HNO3 का सोल्यूशन यूज किया जाता है। नंबर सेकेंड, अब सबसे बड़ा प्रिकॉशन हमको ये लेना है, अगर मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में बियर प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशन में इससे हमको AgBr का प्रेसिपिटेट बनेगा और ये जो प्रेसिपिटेट होता है इसका कलर पेल येलो होता है। इसी तरह से मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में आयोडीन प्रेजेंट हुआ तो ऐसी कंडीशन में हमको AgRi का प्रेसिपिटेट बनेगा और इसका जो कलर होता है येलो होता है, यानी इससे हमको येलो पीपीटी बनेगा। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि AgBr और AgI का जो प्रेसिपिटेट है वो डिफरेंट इम्प्योरिटीज के कारण इसका जो कलर है उसको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हमको एक टेस्ट परफॉर्म करना होता है, इस टेस्ट को हम ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट कहते हैं। किसी भी कंपाउंड में अगर हेलोजन प्रेजेंट है तो उसके ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सेपरेटिंग फनल को यूज किया जाता है। ये एक स्पेशल टाइप का फनल होता है जिसमें एक्वस लेयर की फॉर्म में वाटर और ऑर्गेनिक लेयर की फॉर्म में CCl4 या कार्बन डाइसल्फाइड को यूज किया जा सकता है। अब अगर मान लीजिए हमारे पास सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है तो सबसे पहले इसको सेपरेटिंग फनल में लेकर उसमें कॉन्सेंट्रेट HNO3 डाल दिया जाता है और इसमें ऑर्गेनिक लेयर की फॉर्म में कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर कार्बन डाइसल्फाइड को यूज किया जाता है और इसमें अच्छी खासी अमाउंट में वाटर भी ले लिया जाता है। अब पूरी इस सेपरेटिंग फनल को अच्छे से शेक किया जाता है और बाद में इसको सेटल डाउन होने के लिए रख दिया जाता है। तो इस सेपरेटिंग फनल में दो लेयर सेपरेट हो जाती है। अब इन दोनों लेयर को अलग से एक बीकर में डिकेंट कर लेते हैं या निकाल लेते हैं। अब इस लेयर में जो नीचे वाली लेयर होती है वो ऑर्गेनिक लेयर की होती है, यानी ये जो लेयर होगी या तो ये CCl4 की होगी या फिर इसमें कार्बन डाइसल्फाइड यूज किया है तो CH2 की होगी। जो ऊपर वाली लेयर होती है ये एक्वस लेयर होती है। इन दोनों लेयर को बड़ी सावधानी से सेपरेट कर लिया जाता है। अब इस ऑर्गेनिक लेयर का जो कलर है वो इस बात को डिसाइड करता है कि हमारे पास AgBr या फिर AgI प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए ऑर्गेनिक लेयर का जो कलर है वो येलो ब्राउन या येलिश ब्राउन हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में बियर प्रेजेंट होगा। अगर ऑर्गेनिक लेयर का कलर वायलेट कलर होता है तो ऐसी कंडीशन में उसमें आई प्रेजेंट होगा। तो गाइज, आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझा होगा। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग POC के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वापस इंट्रोडक्शन करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।